दोस्तों नमस्कार। तो भारत बनाम बांग्लादेश की सीरीज चल रही है और हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत पहला मुकाबला तो जीत गया है पर दूसरे मुकाबले को आगे चलाने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है क्योंकि बारिश कानपुर के तो पहले स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम में कम टिकटें बेची गई क्योंकि रेनोवेशन का काम था जो कि अधूरा रह गया था। रेनोवेशन पूरी तरह से हुआ नहीं था और टाइम मांगा था ग्राउंड में, लेकिन उसके बाद बारिश ने गेम को रोका और जब से मैच चुका है उसके बाद से अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी गई है। आखिरी बार जब मैच हुआ था वो 3 विकेटें गिरी थी, उसके बाद मुकाबला दोबारा से नहीं हुआ। बारिश की वजह से दूसरा दिन भी खराब हुआ और बारिश की वजह से तीसरा दिन भी खराब हुआ। और कुछ ऐसा ही सेम हुआ था अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के मुकाबले में, जहां पर ग्रेटर नोएडा का वो मैदान था, शहीद विजय सिंह पथिक का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का वाला मैदान था और उत्तर प्रदेश के ये दोनों मैदान है, कानपुर का भी और ग्रेटर नोएडा का भी। और वहां पर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड वाले मुकाबले हमने क्या देखा, वहां भी बारिश की वजह से उस मैच पूरा वॉश आउट डिक्लेयर कर दिया गया और वो सीरीज भी ड्रॉ हो गई, नहीं हो पाई, वहां भी एक भी गेंद नहीं फेंकी गई थी। और वैसे ही कुछ सूरत हाल यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर भी अभी तक एक भी गेंद फेंकी नहीं गई जब से मुकाबले को रोका गया है उसके बाद से। लेकिन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में दिक्कतें क्या है, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि एक बार ईडन गार्डन का मैदान था जब इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच था वो, और वहाँ पर T20 का वर्ल्ड कप का मुकाबला था इंडिया का और वहाँ पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही बारिश हो गई थी। 6 बजे करीब बारिश हुई, 8 बजे तक बारिश होती रही, लेकिन उसके बाद 8:45 पर मैच शुरू किया गया। कोलकाता का मैदान था ईडन गार्डन का मुकाबला, जहाँ पर उस मैदान में बारिश होने के 45 मिनट बाद ही वो ग्राउंड खेलने लायक हो गया। वहाँ हालांकि 2 ओवर तो कट हुए, यानी कि 20 ओवर की जगह मैच 18 ओवर का होगा, लेकिन ये पूरा मैच हुआ। आपको याद होगा विराट कोहली उस मैच के मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। तो लेकिन मुकाबला तो हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो ग्रेटर नोएडा मुकाबला था, यानी कि शहीद विजय सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का मैदान था न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान का, वो मुकाबला भी बारिश हुई वहाँ पर मुकाबला रुक गया। उसके बाद वहाँ पर एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, यहाँ भी कानपुर के मैदान पर बारिश हुई मुकाबला रुका और रुकने के बाद अभी तक एक भी गेंद दोबारा से नहीं फेंकी गई है। तो क्या ग्राउंड्स मैन की यहाँ पर गलती है, क्योंकि जब हम देखते हैं ईडन गार्डन कोलकाता का मैदान, वहाँ पर बारिश के बाद उस मुकाबले को खेलने योग्य बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए दोनों ही मैदानों में या तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो शहीद विजय सिंह पथिक या फिर बात करें हम कानपुर के ग्रीन पार्क की, दोनों ही मैदान में उस तरह का काम क्यों नहीं किया जा रहा है जो T20 वर्ल्ड कप के दौरान फिर इंडिया बनाम पाकिस्तान के मुकाबले में 2016 में किया गया था। तो एक बहुत बड़ी चूक होगी एक ग्राउंड्समैन की, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की, या फिर इसमें कुछ और पहलू है उसके बारे में काफ़ी सवाल और जवाबों के घेरे में रहती है चीज़। लेकिन मुकाबला नहीं हो पाना भारत के लिहाज से, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए एक डाउनफॉल है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस पर भी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा कि क्या है मैदान की दिक्कतें या फिर क्या दिक्कतें हैं यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की। तब तक के लिए धन्यवाद।